हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सारिका स्वाद किचन में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कच्ची कैरी से बनने वाली खट्टी मीठी बिल्कुल यम्मी टेस्टी चटनी, जिसे आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा और बच्चे ही क्या बड़े भी मांग मांग कर आपसे खाएंगे। तो चलिए बनाते कैसे हैं इसे कच्चे कैरी की चटनी, तो चलिए सबसे पहले इसे देख लेते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो से थोड़े से कम आम लिए हैं और इसे अच्छे से मैंने धो के वॉश कर लिया है। अब सबसे पहले हम इसे कट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरीके से ऊपर का भाग चाकू से निकाल देंगे और इस तरीके से छिलनी से हम अच्छे से सारा आम के छिलकों को निकाल लेंगे। तो ये भी आम का छिलका ना फेंकिए, आपको अगर पसंद है तो इसमें थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और गोल मिर्च डालकर आप इसे खाइए। बहुत ही चटपटा लगता है, ये खट्टी मीठी लगता है इसका छिलका। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे फेंक सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे आम के छिलकों को निकाल लिया है, ये देखिए हमारे सारे आम के छिलके बढ़िया तरीके से निकल गए और ये हमारे आम एक साइड से बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं, छिलके निकल गए। तो सबसे पहले हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। अगर आपको कद्दूकस करना पसंद है तो आप इसे कद्दूकस करें या आप इसे कट भी कर सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, ये देखिए ये बढ़िया तरीके से सारे आम को मैंने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है और एक अलग बॉल में निकाल के रख लिया है। अब यहाँ पर मैंने करीब 1/2 किलो करीब मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है, ये फ्रेश गुड़ है, आपके पास जो अवेलेबल हो आप उससे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे, अच्छे से गर्म कर लेंगे और ये चम्मच के थोड़ा सा कम, हम मैंने एक चम्मच भर के नहीं थोड़ा सा कम मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर हम तेज़पत्ता, दालचीनी और बड़ी इलायची और साथ ही साथ अब इसमें हम ऐड करेंगे बघारने के लिए सूखी लाल मिर्च। इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से हम सौते कर लेंगे कि हल्की हल्की महक आने लगे। तो गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम रखें और ये देखिए बढ़िया तरीके से सारे चीज़ें अच्छे से सौते हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। तो ये देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट है, इसलिए हाथ से बढ़िया तरीके से ये टूट जा रहा है। और हमें थोड़ा सा देसी घी में हमें गुड़ को सौते करना है कि इसकी महक गुड़ में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद जब ये देखिए अच्छे से देखिए मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है, तो अब हम इसे में ऐड करेंगे 1 कप करीब पानी कि ये देखिए हमने यहाँ पर 1 कप करीब पानी ऐड कर दिया है कि अधिक गुड़ नीचे ना लगे और जल्दी से मेल्ट ना हो जाए, मतलब ये बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए, इसीलिए हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रहे इसीलिए हमने इसमें पानी डाला है। अब इसे हम 2 से 3 मिनट तक हाई टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। ये देखिए आप साइड साइड से देख सकते हैं कि अच्छे से बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसे ढककर 5 से 7 मिनट तक के लिए मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए 5 से 7 मिनट में अच्छे से पूरा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, ये देखिए नीचे तक भी देखिए मैं इसको चला रही हूँ, ये देखिए बढ़िया तरीके से ये मेल्ट हो चुका है। अब इस स्टेज में अब इसमें हम ऐड करेंगे कि ये देखिए जब सारा गुड़ मेल्ट हो चुका है तब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने कद्दूकस किया रखा था आम, इसे हम डाल देंगे इसमें पूरा और गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम कर देंगे
क्योंकि अब हमें इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पे ही धीमी में ही पकाना है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, जिससे गुड़ पक जाएगा और जो हमारा आम है वो अच्छे से पकना चाहिए। तो इसके लिए हमें इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे खुला ही पकाएंगे। ये देखिए बढ़िया तरीके से ये अच्छे से पक रहा है। अब इसमें हमने जिस कप से मैंने पानी लिया था 1 पूरा कप, उसका हाफ कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी नहीं डाला है क्योंकि आम भी थोड़ा पानी छोड़ता है। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसे ढककर कम से कम 20 मिनट तक पकाएंगे। और अब देखिए 20 मिनट के बाद ये देखिए ये अच्छे से थिक होना स्टार्ट हो चुका है। अच्छा सा इसका टेक्सचर भी अच्छा आने लगा है। ये देखिए अब हम इसे चलाएंगे। तो अब इस स्टेज में जब ये अच्छे से थिक हो चुका है तब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर काला नमक यूज़ किया है, आप चाहें तो सादा नमक भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शन में है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच करीब, छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जो इसके रंग को थोड़ा और निखार देता है। तो ये देखिए इसमें बहुत ही कम मसाले लगते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनता है, क्योंकि तेज़पत्ता दालचीनी का भी अपना अलग ही फ्लेवर है, वो भी मसाले बहुत ही अच्छा टेक्सचर छोड़ते हैं चटनी में। तो आप ज़्यादा मसाले यूज़ ना भी करेंगे तब भी बहुत चलेगा, जैसे चाट मसाला हो गया, ऑप्शन है, आपको डालना है तो डाल सकते हैं। ये देखिए 5 से 7 मिनट के बाद और ये अच्छे थिक होना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से थिक हो गई है, ऑलमोस्ट ये अच्छे से पक चुकी है। हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे, ये थोड़ी सी और थिक हो जाए। आप चाहें तो, आपको इतना पसंद है तो आप इसमें निकाल सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा और थिक करना चाहती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल पक चुका है और ये अच्छे से बन गया है। ये देखिए अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ढककर और पका देंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है चटनी, ये बहुत ही अच्छी लगती है रोटी पराठे में। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये अच्छी थिक हो चुकी है। ये देखिए है ना, ये दिख रही है ना कितनी यम्मी टेस्टी। आप चाहें तो इसे और थिक कर सकते हैं, मुझे इतना ही चाहिए है। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देख रही हूँ, इसका कच्चापन बिल्कुल निकल चुका है आम का और ये बहुत टेस्टी इंटरेस्टिंग तरीके से पक चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। ये देखिए आप सर्विंग बोल में निकाल के हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और आप इसे एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख सकते हैं। और जब भी आपको खाना हो तो आप आधा घंटा पहले निकाल कर रूम टेम्परेचर पे इसे नॉर्मल कर सकते हैं, नहीं तो ठंडी ठंडा भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी बनाइए, आप भी खाइए और अपने फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर खिलाएं और कमेंट्स करके मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी मेरे वीडियोस देखते रहिए। ये देखिए हमारी खट्टी मीठी आम की चटनी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग।